हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंस्पिरेशन आर्ट्स. मैं हूं सौरभ सर. आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द स्टडी विच आई हैव डन इन अ स्टोर इन शांति निकेतन रतनपल्ली. सो दिस इज अ स्टोर ऑफ बैग्स. यहां पर काफी सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट बैग्स दिख रहे होंगे और ये जो पेंटिंग है जो पेन से मैंने इलस्ट्रेट किया है इसको मैंने उस दुकान में ही जाके किया है और ये एक लाइव स्टडी है हमारा किसी कॉम्पोजिशन के लिए. हमारा जो कॉम्पोजिशन हम बनाएंगे एग्जामिनेशन में वो कम्प्लीटली ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये करने से हमें पता चल जाता है कि जो दुकान का एक लेआउट कैसा होता है. एक बैग का दुकान अगर हमें कंपोज करना हो तो उसे हम किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट्स देने पड़ेंगे और कैसे हमें उसको बनाना पड़ेगा. आप देख सकते होंगे यहाँ पर मैंने हर एक बैग का डिजाइन बस सिंपली उसे एक मार्कआउट नहीं किया है, बल्कि जो बैग जैसा था जिसका डिजाइन जैसा था मैंने हर एक बैग को वैसे ही बना दिया है. ये करना जरूरी है किसी भी स्टडी में, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें एक व्यू मिल पाए कि वो जगह कैसी है, वो कैसी दिख रही है. इसलिए हम इसमें हर एक डिटेल का ख्याल रखते हैं. एक डिटेल ड्राइंग आप बनाएंगे आपको पता चलेगा कि आप के उस पूरे एरिया में क्या है और उसमें आप क्या क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. तो आप जब इसको मन से कंपोज करने जाएंगे तब आपके ब्रेन में एक विजुअल लाइब्रेरी पहले से होगी और आपको उतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी. तो ये हमारा रीजन है इस ड्राइंग को करने का. तो यहाँ पर जो कलरिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वो है मेरा जो ब्रश पेन था, वो काफी आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं कई सारे ड्राइंग बनाने के लिए. और अगर आप बाहर लाइव पेंटिंग कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा काम देता है, इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ. और आप आपको जैसे दिख रहा है कि ये मैं घर में कर रहा हूँ, लाइव नहीं कर रहा हूँ कलरिंग, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं था, दोपहर हो गई थी स्केच करते करते, ये मैं काफी डिटेल कर रहा था इसलिए मेरे पास उतने टाइम नहीं बची, इसलिए मैंने फोटो खींच के आके मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ. लेकिन मैंने जो डिटेल्स मुझे उठाने थे, जो चीज करनी थी, वो हमने कर लिया है. लेकिन अगर आप लाइव से कलर भी करें तो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लाइव में हमें कलर्स और अच्छे से और ब्राइटली दिखाई देते हैं. इसलिए हम इसे प्रेफर करेंगे कि लाइव भी हम पूरा काम कर ले. लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना भी था और वहां पर कैमरा सेटअप करना मुश्किल भी होता तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ. लेकिन जो पेन स्केच है वो मैंने लाइव ही किया. आप देख रहे होंगे अभी मैं डिफरेंट कलर्स का यूज करके जो बैक में डिफरेंट डिजाइन है उन सबको भी मैं अच्छे से डिटेलली ऑब्जर्व करके देते जा रहा हूँ और एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ. आप डिट्टो जैसा है सेम टू सेम तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन दूर से देखने में वो सेम लगे और कलर सेम हो ऐसा आपको इसको बनाना है. देखिए ये हमारा वाटर कलर का ट्यूटोरियल नहीं है कि जिसमें हम पूरे शेडोज एक्सेट्रा सब चीज पे ध्यान दें. इसमें हमें बस अपने कॉम्पोजिशन को स्टडी करने का एक तरीका पता चल रहा है कि हम कैसे एक कलर्स स्टडी और एक स्केच स्टडी दोनों एक साथ कर सकेंगे. तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हम क्या क्या कलर यूज कर सकते हैं, बैग में कितना कलरफुल दिख सकते हैं ये पूरा एक रीजन. आप खत्म होने के बाद देखिएगा ये ड्राइंग काफी ज्यादा कलरफुल लगेगा. तो इसी तरीके से आप कोई भी ड्राइंग को कोई भी दुकान को आप जाके स्टडी कीजिए बाहर. ऐसे कुछ और वीडियोस भी मैं डालूंगा जिसमें और दुकानों के स्टडीज के को मैं दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लाइव भी मैं दिखा पाऊँ कभी पूरी स्केचिंग की प्रोसेस भी, लेकिन अभी तो वो नहीं हो पाएगा. तो इसके बाद और कुछ फिगर ड्राइंग के भी मैं आपको ट्यूटोरियल्स दूंगा. तो सबसे पहले यहाँ पर आप अभी आप देख रहे कि मैं हर कलर जो जैसा है वैसा दे रहा हूँ और जो रेड कलर्स ब्लू कलर्स और येलो कलर ग्रीन कलर हर एक कलर को मैं पूरी तरीके से सैचुरेशन के साथ दे रहा हूँ. तो इससे क्या होगा कि जो एक कलरफुल सीन है वो काफी उभर के आएगा हमारी पेंटिंग में. जो दुकानों में आप अगर शेडो का ज्यादा यूज करेंगे इस ड्राइंग में तो हमारा ड्राइंग काफी डार्क दिख सकता है. तो आप ज्यादा डार्क कलर्स या
ज्यादा शेडोज का इसमें यूज मत कीजिए। हालांकि अगर आप अच्छे से वाटर कलर करे तो आपको उसका यूज करना काफी जरूरी है, लेकिन ये उस टाइप की पेंटिंग नहीं है, ये बस एक स्केच है, अर्बन स्केचिंग जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम इसको इस टेक्निक में कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि काफी अच्छा कलरफुल और डिफरेंट वेराइटीज वाला आपको बैग देखने मिल रहा है। हमने ये कंपोजिशन इस तरीके से इसीलिए कर पाए क्योंकि हमने वो देख के लाइव किया, नहीं तो हमारे माइंड में ऐसा कंपोजिशन कभी डायरेक्टली आ ही नहीं सकता। इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है हमें लाइव स्टडी करना डिफरेंट दुकानों को, और हमें अपने ड्राइंग में उसको यूज करना। अब इसको यूज करना भी हमें अपने ड्राइंग में, हम बस इसे करके रख दे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको यूज करना हम देखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अगर आपको ये विजुअल लाइब्रेरी एक बिल्ड हो जाए तो काफी अच्छी होती है। आप देखते होंगे कि काफी बार क्या होता है कि हम कुछ बनाने जाते हैं और हमारे माइंड में आ नहीं पाता कंपोजिशन के टाइम पे कि बैकग्राउंड में एलिमेंट्स क्या डाले। फिगर हम बना लेते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड में एलिमेंट्स डालना हमें याद नहीं रहता, इसलिए हम इन सब की स्टडीज को काफी अच्छे से याद रखना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने पेन से पूरी ड्राइंग की है और कोई भी पेंसिल से पहले मैंने आउटलाइंस नहीं की थी, तो ये हमारी लाइन क्वालिटी को सुधारने के लिए भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे तो हमारा ये काफी अच्छा फायदा होगा कि हम अपने लाइन क्वालिटी और कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से सुधार पाएंगे, इसलिए हमने इसको किया है। इसलिए देख रहे होंगे कि जो मेरा फिगर है उसके हाथ और पैर में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, क्योंकि पेन से किया है तो उसको मिस्टेक्स को ठीक करने का मुझे कोई चांस नहीं था, इसलिए मैंने ये फिगर ऐसे थोड़ा सा दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये फिगर, वो जो आदमी थे वो बैठे हुए थे स्टूल पे उसी समय, और लाइव ही मैंने उनको बनाया है। यहाँ पर आपको जितना चाहे उतना एक्यूरेसी आप लाने की कोशिश कीजिए, पूरी तरीके से एक्यूरेट तो नहीं आने वाला क्योंकि आप पेन से कर रहे और कोई मेजरमेंट्स नहीं ले रहे, लेकिन जितना हो सके आप इसको लाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा सा एक सीन बन पाए और कंपोजिशन अच्छा दिख पाए। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि लाइट एंड शेड का आपको उतना ज्यादा यूज नहीं करना, उतने ज्यादा शेडोज नहीं देने, लेकिन फिर भी आपको एक सेपरेशन दिखाना है। आप देख रहे होंगे कि जो पेन की लाइन्स है उसकी वजह से हमें सेपरेशन दिख रही है, लेकिन जो अभी अंदर के बैग्स है उनको आप थोड़ा सा और सैचुरेटेड कलर से पेंट कीजिए तो हमारे जो एक अच्छा सा डेप भी दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारा जो फ्रंट के जितने बैग्स थे उनमें सारे हमने पेंट कर लिए, और अभी हम कुछ और बस डिटेल्स दे रहे हैं। इसके बाद जो नीचे बसता है उसको भी हम बस हल्के वॉशेस से सबको पेंट कर, उतना कुछ टाइम नहीं लग रहा मुझे पेंट करने में, बस हल्के कलर्स के वॉशेस है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मैं जो अंदर का एरिया है वो उसे फटाफट कर दूंगा, क्योंकि जो अंदर का एरिया है उसमें काफी डिटेल है लेकिन वो सब हमें अभी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे बस कुछ हल्के ब्लू के वॉशेस से ही कंप्लीट कर देंगे। अभी भी मैं इसमें डिटेल डाले जा रहा हूँ जो फ्रंट में है, क्योंकि उस चीज को हमें पॉपअप करना है। फ्रंट में हम जितना डिटेल देंगे वो उतना पॉपअप करेगा और हमारे आंख के सामने आएगा, और जिसको हम जितना धुंधला या ब्लर कर देंगे उसमें उतनी ही ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बड़ा ब्रश लेके क्या किया कि पूरे एरिया में एक काफी हल्का वॉश दे दिया। अगर मैं यहाँ पर अच्छे से वाटर कलर कर रहा होता मैं ये वॉश काफी डीप देता, लेकिन यहाँ पर हमने काफी हल्का वॉश दिया है ये दिखाने के लिए कि वो काफी दूर है और उसका हमारे जो फ्रंट के एरिया में स्टफ है उससे उतना ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। तो ये हमारे ड्राइंग को एक कंप्लीट लुक दे देती है। और अगर आप इसको चाहे कि इतना ज्यादा आप कलर ना करें, बस बैक को कलर करके थोड़ा हल्का डिटेल करके छोड़ दे, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। ये आपका बस स्टडी है जानने के लिए, इसलिए आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो यही तक ही, मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्पिरेशन आर्ट्स को। थैंक यू एंड गुड बाय।